असल इन टूडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज इन एक्सेल एक्सलट स्टार्ट द वीडियो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है इसमें ये ऑर्डर नंबर हैं और ये सोल्ड यूनिट्स हैं इन ऑर्डर इन ऑर्डर नंबर में कुछ डुप्लीकेट्स भी हैं इन डुप्लीकेट्स को फाइंड करने के लिए मैं इस इन दोनों कॉलम्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ आई कैन सेलेक्ट द होल शीट फ्राम दिस कॉर्नर आई विल क्लिक ऑन दिस कॉर्नर द होल शीट विल शीट विल बी सिलेक्टेड यहाँ पे मैं होम के टैब में जाऊँगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में जाऊँगा हाईलाइट सेल रूल्स और लास्ट ऑप्शन इज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ तो पे जो डुप्लीकेट ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे अगर मैं यूनिक वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक मेरे पास यूनिक की ऑप्शन भी है मैं यूनिक पे क्लिक करूंगा तो जो इस टेबल में यूनिक डाटा है वो मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा मैं अगेन डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ अब मैं यहाँ से इसको कलर फॉर्मेट भी कर सकता हूँ यहाँ से मैं रेड और येलो और ग्रीन इनमें से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ कस्टम फॉर्मेट भी कर सकता हूँ कस्टम फॉर्मेट में मेरा नंबरिंग फॉर्मेट भी कर सकता हूँ फॉन्ट्स बॉर्डर को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ ओके okay, प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास जो ऑर्डर डुप्लीकेट हैं वो मेरे पास हाईलाइट हो जाएंगे अब मैं इस रूल को रिमूव करना चाहता हूँ अगेन मैं होम के टैब में जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में जाऊँगा यहाँ पे क्लियर रूल्स की सेकंड लास्ट ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन और आ रही हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम द इंटायर शीट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो इस टेबल में मेरे पास जो डुप्लीकेट uh, वैल्यूज़ का रूल अप्लाई हुआ था वो रिमूव हो जाएगा दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो